1 रुपए। oh, no. 1 रुपए से क्या करूँगी? आइसक्रीम चोर, मुझे नहीं लगता ये आइसक्रीम मेरे हाथ पे ज्यादा देर तक में यार नहीं रहने वाला। करते हैं वो ऊपर में प्याज। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग इनफाइनाइट फैम। स्पीड विल डिसाइड माय फूड बजट फॉर 24 आवर्स। व्हाट? ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग, डिनर, ये हर बार मेरा बजट कितना होगा वो यही स्पिन विल डिसाइड करेगा। मैं इसे स्पिन करूंगी और जो भी अमाउंट आएगा आई एम गोना ईट फूड विद इन दैट अमाउंट। चलिए ब्रेकफास्ट के लिए घुमाते हैं। सर्च कर रही थी कि हम क्या खा सकते हैं और भवानीपुर हाजरा लोकेलिटी में मुझे जो भी मिला ना वहाँ पर मिनिमम 50, चाहे वो छोले भटूरे हो या आपका कचौड़ी हो, पेटाई परोठा मिलता है सस्ते में, पर पेटाई परोठा के लिए मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ। मैंने फिर डिसाइड किया क्यों ना न्यू मार्केट में चले, क्योंकि वहाँ पर ना काफी सारा आइटम मिल जाता है। अभी हम जा रहे हैं श्रीराम मार्केट के सामने, क्योंकि वहाँ पर छोले भटूरे वाला शॉप लोकेटेड है, तो वहीं पर मुझे लगता है हम ब्रेकफास्ट खा पाएंगे। अगर कोलकाता में सबसे सस्ता कई खाना खाना हो देन न्यू मार्केट इज द अल्टीमेट प्लेस। यहीं पर मिलेगा आपको सिर्फ 30 रुपए में छोले भटूरे। और आज तो मैं बिल्कुल 6 महीने के बाद न्यू मार्केट आ रही हूँ और छोले भटूरे तो और भी लंबे टाइम से बात खा रही हूँ। ये है छोला, साथ में है ये ग्रीन कलर की हरी चटनी। तो मेरा बजट कम है इसलिए मैंने एक ही पीस लिया है भटूरे। नरम नरम सॉफ्ट भटूरे, उसमें चटपटा छोला, हरी चटनी और प्याज के साथ बस एक दिवाला खाओ और आपको समझ में आएगा ये कितना ज्यादा टेस्टी है। बहुत ज्यादा सॉफ्ट है एंड द चना मसाला इज लिटिल बैलेंस्ड, हल्का स्पाइसी। कोलकाता में तो आपको बहुत जगहों पे छोले भटूरे मिल जाएगा, पर न्यू मार्केट की इस दुकान पे जो छोले भटूरे मिलता है ना, दिस इज सच अ बचपन वाला नॉस्टैल्जिया। जब से पूजा शॉपिंग करने के लिए यहाँ पर आती थी तब से खा रही हूँ। इस भटूरे में टेस्ट काफी अच्छा है, बस मेरी एक ही शिकायत है कि काश इन लोगों ने ये स्टील वाली प्लेट ना दे के कोई पेपर प्लेट दिया होता। ऐसे घूम फिर के मजेदार खाना खाना, फूड चैलेंज करना तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे मेरे पैरों को नहीं, इतना घूमने से ना मेरे पैरों की स्किन बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाता है, विच लीड्स टू क्रैक। अगर मैं जाऊँ ना पार्लर में, आज की स्पिन व्हील की तरह सस्ता बजट नहीं, पूरा 1000 रुपए पकड़ा देगी बिल। इसीलिए मैं इस्तेमाल करती हूँ अगाड़ो की ये कैलस रिमूवर। आपको मिल जाएगा 3 इंटरचेंजेबल रोलर हेड इंक्लूडिंग एक फाइन ग्राइंडेड हेड विच इज परफेक्ट फॉर डेली फिट केयर, और सेकेंडली एक मीडियम ग्राइंडिंग हेड फॉर सॉल्विंग डेड स्किन, और एक कोर्स ग्राइंडिंग हेड फॉर हार्ड स्किन एंड स्टबर्न कैलसेस। इसको इस्तेमाल करके आप एफिशिएंटली अपने हार्ड स्किन को पैरों से रिमूव कर सकते हो, ड्राई डेड स्किन को हटा सकते हो और रिजल्ट में आपको सॉफ्ट और सपल फीट मिलेगा। आप खुद देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से बिल्कुल पाउडर जैसे सारे ड्राई एंड डेड स्किन निकल जा रहा है। ये IPX7 वाटरप्रूफ है, देयरफॉर आप इसे इफेक्टिवली वेट एंड ड्राई कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अंदर है एक रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी विच गिव्स 45 मिनट्स ऑफ कॉर्डलेस यूज और वंस यू रिचार्ज इट फुल। दो वेरिएबल स्पीड सेटिंग मिल जाता है जिससे आराम से ये काम करता है, लो फॉर जेंटल एक्सफोलिएशन एंड हाई फॉर पावरफुल स्क्रब। यू सी द इंस्टेंट रिजल्ट, इट्स सो सॉफ्ट। अभी हम यहाँ पर मॉइस्चराइजर लगाएंगे। डिफरेंस तो आप खुद देख सकते हो, शुरू किया था कैसे हार्ड लग रहा था, क्रैक था स्किन, और अभी बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्मूथ, जस्ट लाइक प्रोफेशनल पेडिक्योर। आपको भी घर में बैठ के इजीली ऐसे करना है तो डू चेक आउट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे सस्ता भटूरा तो हम खा चुके हैं, पर इतना सा भटूरा खा के क्या पेट थोड़ी भरता है? तो चलिए हम लोग फिर से स्पिन व्हील से पूछेंगे, क्योंकि मुझे कुछ और खाना है। बजट आया है 50 रुपए। भाई पहले ही 50 रुपए आ जाता तो मेरा मन है अभी खाई खाई गली जाने का। तो हम लोग खाई खाई गली जा रहे हैं, शायद वहां पर हमें सस्ते में कुछ मिल जाए।
और खाई खाई गली का लोकेशन है साउथ सिटी मॉल के ठीक बगल। बहुत दिनों के बाद ये सब पुराने फूड जॉइंट पे हम जा रहे हैं। आई थिंक ये सब जॉइंट पे जब मैंने लास्ट बजट फूड चैलेंज किया था तब जाके मैंने खाना खाया था। ये है हक्का चाउमीन वेज जो मुझे 50 रुपए में मिला एंड दिस इज हाफ प्लेट। आई थिंक क्वांटिटी बहुत बढ़िया है तो चलिए इसे खाते हैं। आज जो भी बजट है उसके हिसाब से ही खाना है तो 50 रुपए में तो अंडा मिला नहीं वेज मिला तो उसी से ही काम चलाएंगे। मैं फाइनली बैठ चुकी हूँ 50 रुपए का खाना लेके। ये जो नेपाली चाउमीन बनाते हैं ना इनका चाउमीन का ना टेस्ट हमेशा बहुत बढ़िया होता है। खाई खाई गली में जिस दुकान से हमने लिया वो एक नेपाली शॉप ही है और वहां पर मोमोज भी बहुत अच्छा मिलता है पर मेरे पास बजट नहीं था 50 रुपए मेरा बजट था मोमोज 70 था। चाउमीन मैंने वहां से पहली बार आज ट्राई किया इट इज रियली रियली नाइस। इससे पहले भी मैंने खाई खाई गली से चाउमीन खाया है पर दूसरा दुकान से काफी सारा वेजीज दिया है हल्का सोया विनेगर का फ्लेवर है लिटिल गार्लिक की। ये वाला जो मोमो का चटनी है ना इसके साथ बहुत टेस्टी लग रहा है मजा आ गया मोमो का चटनी के साथ माय गॉड। फाइनली लग रहा है कुछ खा रही हूं मैं। देख लेंगे लंच का बजट कितना है क्योंकि उसके हिसाब से मुझे देखना पड़ेगा ना लंच कहां पर खाएंगे तो लेट्स गाइस हमारा लंच का बजट है 200 रुपए 200। आई थिंक लंच के लिए इट्स अ प्रीटी गुड अमाउंट। द मोमो सॉस इज सो स्पाइसी। मिलते हैं खाना खत्म करते हैं उसके बाद जब लंच करने जाएंगे तब देखते रहिए। अभी हम आए हैं गोरिया हाट में। मेरा मन था बिरयानी खाने का पर चाउमीन खा के मेरा पेट ऐसा भर गया कि आई कैन नॉट। तो आज हम कुछ अलग खाने वाले हैं दोपहर लंच के लिए। मैं यहाँ पर आई हूँ कैंपफरी में ये एक स्नैक शॉप है प्लस यहाँ पर ना बहुत अच्छा पराठा और चिकन कबाब मिलता है तो चलो चलते हैं और देखते हैं इफ वी कैन हैव पराठा और कबाब। मतलब बजट भी तो देखना पड़ेगा लगता तो है हो जाएगा बट लेट्स चेक। मेरा बिल पड़ा 155 रुपीज। फिलहाल चलो इसे लेके गाड़ी में जाते हैं। गाइस फाइनली मैं बैठ चुकी हूँ लंच लेके गाड़ी में। यहाँ पर दो पैकेट है एक है कबाब की पैकेट और दूसरा वाला है पराठा का पैकेट। आई डोंट नो उन्होंने सलाद दिया है कि नहीं पड़ा। तो ये है कबाब का पैकेट इसे अनबॉक्स करते हैं। ऊपर में प्याज है मिर्ची दिया है लुक्स प्रीटी नाइस इजंट इट। ये है पराठा जिसके साथ हमें कबाब खानी है सो द पराठा लुक प्रीटी क्रिस्पी तो चलिए इसे खाते हैं। दिस इज अवर लंच प्लेटर। स्क्वीज द लेमन। पराठा काफी क्रिस्पी लग रहा है। मजा आ गया मुझे लगता है मुझे दो प्लेट कबाब लेना चाहिए था। पराठा जो है काफी क्रिस्पी है। जब आप कबाब के साथ खा रहे हो ना बाहर से क्रिस्पी अंदर में जूसी चिकन बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर खट्टा नींबू ब्यूटीफुल सो जूसी स्पाइसी। मुझे लगता है एक पल के लिए मुझे लगा था बिरयानी छोड़ के पराठा और कबाब खाऊंगी अच्छा लगेगा। अभी लगता है बहुत अच्छा गया कुछ अलग खाया एंड सुपर टेस्टी। ये एक्चुअली सिख कबाब है। बेदविन में जो हम सिख कबाब खाते हैं पता नहीं क्यों इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। 9.5 दूंगी। जो लेफ्ट ओवर पैसा है उससे भी हम कुछ खाएंगे पर इसे पहले खत्म करते हैं फिर हम देखेंगे नेक्स्ट हम क्या खाएंगे देखते रहिए। और अभी हम ढूंढ रहे हैं कि 40 रुपीज का क्या खा सकते हैं। तो मेरे सामने है चाय का दुकान और उसके सामने है आइसक्रीम तो मुझे लगता है चाय से बेटर होगा आइसक्रीम ही खा ले क्योंकि अगर चाय पियेंगे तो वो 10-15 रुपए में हो जाएगा फिर मुझे ढूंढना पड़ेगा 25 रुपए से क्या खाएंगे। तो गाइस 40 रुपीज का डबल चॉकलेट है वो ले रही हूँ मैं क्योंकि मेरे पास 40 रुपीज ही बचे हैं।
देखो 10 रुपए वापस लिया ना, 40 रुपीज का डबल चॉकलेट। देखने में तो मुझे लपलपाई लग रहा है, मुझे लग रहा है 40 रुपए से आइसक्रीम खाना वाज द बेस्ट डिसीजन। गाइस लेट्स हैव इट। ऑलरेडी गले के अंदर मेंढक है। मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वनीला बटरस्कॉच, उसके बाद चॉकलेट, आइसक्रीम चोर। मुझे नहीं लगता ये आइसक्रीम मेरे हाथ पे ज्यादा देर तक में यार नहीं रहने वाला। एक तो मैं 200 रुपए के 200 रुपए में सिर्फ आइसक्रीम डिनर नहीं, उससे पहले कबाब पराठा खाए थे मैंने। चलो इससे भी बड़ा कोई चोर है जो तू यार मुझे आइसक्रीम खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय। बाय बाय गाइस, खत्म हो गया वीडियो। वीडियो भी खत्म हो गया। नहीं ना, थोड़ा खा लो, थोड़ा खा लो, थोड़ा। इतना भी नहीं खाना था। बाय बाय, आपसे मिलती हूँ कुछ देर बाद। अभी फिलहाल उसके पीछे दौड़ती हूँ आइसक्रीम को लेने के लिए। अगेन कितना आता है? एक रुपए से क्या करूँगी? 1 रुपए का हजमोला। बड़ा हरामी हो। इतना कुछ को ठूसा है ना आज, वो सब हजम करने के लिए हजमोला। Let's spin now, spin. Yes, yes. कोतो? 50. फिर से 50. कोई बात नहीं, चलो निकलते हैं और देखते हैं 50 रुपए के क्या खाना मिल सकता है जो हम ट्राई कर सकते हैं। निहाला में इलोरा के सामने ऐसा एक मोमो का शॉप है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। और यहाँ पर देखो चिकन से लेके मटन तक का मोमो मिलता है, पर मेरा बजट तो सस्ता है 50 रुपए। और 50 रुपए में हम आज ट्राई करेंगे पहली बार वेज पनीर मोमो। मैंने प्लेन पनीर मोमो खाया था इन पूरी, बट वेज पनीर मोमो इज समथिंग न्यू फॉर मी। आई डोंट इवन नो उसका नाम वेज पनीर मोमो क्यों है। ममता वैसे चिकन मोमो खा रही है, वो भी मुझे दिखा के एंड टेलिंग मी हाउ टेस्टी इट इज, बट हमें तो वेज ही खाना है ना क्योंकि हमारा बजट जो कम है। हैव टू ट्राई पनीर मोमो, और मुझे लगता है ये अच्छा भी है। चिकन मोमो तो हर जगह पर खाती हूँ, बट पनीर मोमो इज रियली रियली न्यू। गर्मा गर्म सूप साथ में मोमोज, द मोमोज लुक्स प्रिटी ऑसम। वाओ, अंदर में मुझे पनीर, कैप्सिकम, गाजर का बहुत अच्छा स्टफिंग दिख रहा है, तो लेट्स डिग इन टू इट। लुक्स प्रिटी डिलीशियस। स्टफिंग है ना, उसे बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। एक हल्का सा धनिया का फ्लेवर है, बाहर की जो लेयर है इट इज सो सॉफ्ट, इट इज मेल्टिंग इन टू योर माउथ। जो चटनी है ना मोमो की, बिल्कुल भी मीठा नहीं है, तीखा चटनी है, बट इसमें हल्का सा टमाटो ही फ्लेवर है विच इज रियली गुड। सच बता रही हूँ गाइस, मैंने कभी नहीं सोचा था चिकन मोमो के साथ साथ पनीर मोमो भी इतना टेस्टी हो सकता है। द फिलिंग इज सो गुड। हल्का सा चिकन फ्लेवर है, सूप काफी थिक है। दोबारा स्पिन कर रहे हैं क्योंकि एक मोमो से शाम की स्नैक कैसे हो सकता है। आई नीड समथिंग मोर। माई आईफोन इज टोटली कंजूस, मक्खी चूस, लेमन चूस। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा आईफोन। 30 रुपए से मैंने लिया ये छोटा सा फास्ट फूड सेंटर से स्प्रिंग रोल। पर्सनली मुझे स्प्रिंग रोल खाना बहुत पसंद है क्योंकि बाहर में जो राइस पेपर की लेयर होती है ना, दैट इज वेरी क्रंची एंड आई लव द फ्रेश क्रिस्पी फिलिंग जो स्प्रिंग रोल के अंदर होती है। पता नहीं यहाँ का स्प्रिंग रोल कैसा होगा। स्प्रिंग रोल जिसे हम ट्राई करेंगे, अंदर में देखो गाजर, चिकन, साथ में कैबेज का बहुत अच्छा स्टफिंग है। बाहर का लेयर ना इज सो क्रिस्पी और अंदर की जो फिलिंग है इट इज जूसी, लिटिल स्वीट, बहुत सारा क्रंच है बिकॉज ऑफ द कैबेज एंड द गाजर।
सोया का लाइट फ्लेवर है, रियली गुड, टू गुड. राइस पेपर की जो लेयर होती है ना, वो मुझे चबाने में बहुत अच्छा लगता है, क्रिस्पी च्यूवी. मुझे लगता है हल्का सा मेरे पास अगर चिली सॉस होता तो बहुत अच्छा होता. मजा आ गया स्प्रिंग रोल खा के. डिनर के लिए हम फिर से व्हील को, यानी हमारा जो चक्का है, उसे स्पिन करेंगे. स्पिन, तो चलो आईफोन निकालते हैं और स्पिन करते हैं. चल 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 चल, घूम जा घूम जा. कितना कितना कितना? 250 rupees. हमारा रात का डिनर का अमाउंट यानी बजट है 250 rupees. कुछ दिन पहले मैंने नुसरत से बिरयानी ट्राई किया था, पर मैंने स्विगी में ऑर्डर दिया था ना, बिरयानी काफी अच्छा था, पर उसका जो पीस मुझे मिला था ना बहुत ही फालतू था. तब मैंने डिसाइड किया था किसी दिन मैं नुसरत से खुद जाके बिरयानी परचेस करके लाऊंगी, प्रॉपर लेग पीस, और उसे ट्राई करूंगी. आई थिंक टुडे इज द परफेक्ट डे, परफेक्ट डे. दादा तुम्हें नुसरत चलो है प्रिंस अनवर शाह. तो गाइस नुसरत इज लोकेटेड इन प्रिंस अनवर शाह और काफी अच्छा रेटिंग है. रात की डिनर लेके चिकन बिरयानी फ्रॉम नुसरत, कोल्ड ड्रिंक जिसका प्राइस पड़ा 40 rupees, एंड ऑफ कोर्स 1 rupee था जिससे मैंने हाजमोला लिया है. गाइस ये है हमारा नुसरत का बिरयानी, तो चलिए इसे प्लेट करते हैं. बहुत ही मजेदार लग रहा है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या है. वाव, एक जब्बर साइज की आलू, ऑफ कोर्स मेरी लेग पीस, आई लव लेग पीस. फाइन, बिरयानी काफी मसालेदार लग रहा है. एंड जी एक अंडा भी दिया है, एक भी, इसे एक इंसान भी खा सकता है, दो जन भी शेयर करके खा सकता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच राइस यू कंज्यूम. बट मेरे लिए तो मुझे लगता है ये दोनों के हिसाब, दो इंसान कंज्यूम कर सकता है क्योंकि मैं इतना राइस खाती नहीं हूँ. बिरयानी का जो अरोमा है, चावल की जो फ्लेवरिंग है, जो टेस्ट है, बहुत ही बढ़िया है. इट इज वेरी मॉइस्ट, नॉट टू ड्राई, तो आपको ग्रेवी की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आप ऐवे ही खा सकते हो. एंड देखा कितना अच्छा है, ज्यादा स्टिकी भी नहीं है, एकदम परफेक्टली बैलेंस्ड. आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है, आप ही की रिक्वेस्ट थी ये वीडियो, तो जरूर वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा. नेक्स्ट आपको क्या देखना है इस चैनल में कमेंट करके जरूर बताइएगा. और हाँ, बहुत ही अच्छे से रहिए, टेक केयर, बाय.